तो दोस्तों आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं अपने मोबाइल फ़ोन से आप तत्काल टिकट कैसे बुक कर सकते हैं। तो आप यहां पे देख सकते हैं यूजर नेम पासवर्ड ऑटो फिल है, मैंने पहले से ही फिल करके रख चुका हूं। इसके बाद सिंपल आपको करना क्या है, जैसे हम साइन इन किया था आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो रहा है। यहाँ पे आपको सिर्फ आपको यहाँ पे ट्रेन सेलेक्ट करना होगा, तो मैं फिलहाल मैं ट्रेन सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद बुक नाउ पे क्लिक करता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको नाम भी फिल नहीं करना होगा, ऑटोमेटिक फिल होगा। देख सकते हैं यहाँ पे पैसेंजर डिटेल ऑटोमेटिक फिल हो रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे ऑटोमेटिक फिल हो रहा है, यहाँ पे कोई फिल करने की जरूरत नहीं है। तो आप लोगों को करना क्या है, सिंपल प्ले स्टोर ओपन करना है और सर्च बार में आपको सर्च कर लेना है क्विक तत्काल। इसके बाद इस एप्लीकेशन को अपने मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद ओपन करना है। ओपन करने के बाद कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिल जाएंगे। तो सबसे पहले आपको न्यू फॉर्म पे क्लिक करना है। इसके बाद फॉर्म का नाम आपको सेव करना है, तो सिंपल मैं सेव कर लेता हूँ। इसके बाद सबमिट करना है। इसके बाद आपके सामने कुछ ये देखने को मिल जाएंगे। फर्स्ट में आपको वेबसाइट, सेकेंड में आपको रेल कनेक्ट। तो आप जब भी तत्काल टिकट बुक करेंगे तो वेबसाइट से बुक कीजिए, क्योंकि रेल कनेक्ट ऐप से काफ़ी सारे प्रॉब्लम आ रहा है। तो इसमें आपको करना क्या, सबसे पहले आपको यूजर नेम फिल करना है। इसके बाद यहाँ पे पासवर्ड फिल करना है। पासवर्ड फिल करने के बाद फटाफट फिल कर लेता हूँ। करना है फॉर्म स्टेशन, आपको कहाँ से जाना है, तो मैं न्यू दिल्ली से सेलेक्ट करता हूँ। इसके बाद जाना आपको कहाँ पे है, मुजफ्फरपुर, तो मैं मुजफ्फरपुर सेलेक्ट कर लेता हूँ। आपको जहाँ जाना है वहाँ सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे डेट ऑफ जर्नी सेलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पे क्लास सेलेक्ट करना है, कौन सी क्लास में आपको टिकट बुक करना है। तो स्लीपर क्लास बुक करना है, स्लीपर क्लास में बुक करना है तो स्लीपर क्लास में सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ पर आपको ट्रेन नंबर सेलेक्ट करना है। इसके बाद कोटा यहाँ पर सेलेक्ट करना है तत्काल। इसके बाद बोर्डिंग पॉइंट भी सेलेक्ट कर सकते हैं, तो फिलहाल मैं सेलेक्ट नहीं करता हूँ। इसके बाद यहाँ पर आपको सेकेंड नंबर पर क्लिक कर लेना है। इसके बाद नीचे का नाम नीचे की तरफ करना है। यहाँ पे आपको पैसेंजर डिटेल फिल करना है, तो यहाँ पर पैसेंजर डिटेल मैं फिल करता हूँ। नेम फिल कर लिया हूँ, एज फिल कर लिया हूँ। इसके बाद मेल फीमेल सेलेक्ट करना है। इसके बाद बर्थ सेलेक्ट करना है। इसके बाद आप सेकेंड नाम ऐड करना चाह रहे हैं तो प्लस के आइकन पर क्लिक करके सेकेंड नाम भी ऐड कर सकते हैं। तो जैसे प्लस के आइकन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं सेकेंड पैसेंजर डिटेल आप फिल कर सकते हैं यहाँ से। तो फिलहाल में इसे हम बैक करते हैं। इसके बाद नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ पर आपको एड्रेस फिल करना है जहाँ पर जाना है। फिलहाल मुझे बिहार जाना है, तो मैं बिहार सेलेक्ट करता हूँ। और यहाँ पे आपको एरिया पिन कोड डालना है, तो मैं पिन कोड भी टाइप कर देता हूँ। और इसके बाद यहाँ पे पोस्ट ऑफिस सेलेक्ट करना है, कर सकते हैं नहीं तो कोई नहीं। इसके बाद नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ पे आपको बुक ओनली कंफर्म बट अलाउड के पे क्लिक कर देना है। नीचे की तरफ आना है, यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर फिल करना है। मोबाइल नंबर फिल करने के बाद नीचे की तरफ आना है, फिर से आपको वॉलेट सेलेक्ट करना है और यहाँ पर आपको पेटीएम सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड फिल करना है और इसके बाद यहाँ से आपको सेव कर देना है। तो यहाँ से आपको सेव हो जाएगा। सेव करने के बाद सिंपल आपको करना क्या है, पे फिल क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जैसे आपको 11:01 होगा तो आपको सबसे पहले यहाँ पे 5-10 सेकेंड पहले यहाँ पर बुक नाउ पर क्लिक करना है, 10 सेकेंड पहले। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर यूजर नेम और पासवर्ड ऑटोमेटिक फिल हो चुका है। इसके बाद सिंपल आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको कैप्चर फिल कर लेना है। तो आप देख सकते हैं कैप्चर फिल कर लिया हो और आपको देख सकते हो ऊपर टाइमिंग चल रहा है। तो आपको जैसे कि 11:01 होता है तो यहाँ पे साइन इन पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक आपका वर्क करना चालू हो जाएगा। फिलहाल मैंने कैप्चर गलत डाला था इसलिए इनवैलिड कैप्चर दिखा रहा है। तो आपको 11:01 पे आपको साइन इन करना है। इसके बाद ये सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक आपको काम करेगा, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है।